2021 के शुरुआत में ही विद्या बालन ने काफी ज्यादा प्यार बटोरा है अपने फैन से। बता दें आपको कि विद्या की कोई फिल्म तो नहीं आई 2021 में, लेकिन उनकी एक फिल्म है जिसको ऑस्कर्स के लिए भेज दिया गया है। जी हाँ, ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है उस फिल्म की ऑस्कर्स के लिए। उस फिल्म का नाम है नटखट, जो पिछले साल जून को रिलीज हुई थी। 33 मिनट की मूवी है ये, और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं शान व्यास, जो इस फिल्म के राइटर भी हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो विद्या बालन एक माँ का किरदार निभाती हैं, जो अपने बच्चे को समझाती हैं जेंडर इक्वलिटी के बारे में। डायरेक्टर की बात करें तो उनका मानना ये है कि आज की सोसाइटी का लोगो ही ये है कि बॉयज विल बी बॉयज, मतलब जो मेल है वो कुछ भी कर सकता है और फीमेल्स ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। रोल मॉडल्स की बात करें तो वो भी हमारे मेल्स ही होते हैं और फीमेल्स को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इसलिए हमने इस तरीके की मूवी बनाई। और इसकी अब ऑस्कर्स में ऑफिशियली एंट्री हो चुकी है शॉर्ट फिल्म्स के लिए। जी हाँ, शॉर्ट फिल्म के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है, और अब देखना यही बाकी है कि इंडिया 2021 में अपने पास ऑस्कर्स लाता है या नहीं। इस बात की कन्फर्मेशन RSVP ने सोशल मीडिया पर आके की है कि इस फिल्म को ऑस्कर्स के लिए कर लिया गया है चूज, और अब देखना यही बाकी है कि कब मिलता है इस फिल्म को अवार्ड और कब विद्या बालन फिर से बटोरती हैं सुर्खियां। विद्या की बात करें तो लास्ट मूवी हमने उनकी देखी थी शकुंतला देवी, जो अमेजोन पे रिलीज हुई थी। उस फिल्म को भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला था और विद्या की एक्टिंग को भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ मिली थी। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस फिल्म नटखट पे? आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए देखते रहेगा मुझे यानी अभिषेक को और गूगल बॉलीवुड को।